हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। गाइज, एक और कमाल का वीडियो आ चुका है जो कि आप लोग देख सकते हैं फोटो कितना हार्ड बना है। और आज के इस वीडियो में आपको सेम टू सेम ऐसा एडिटिंग सिखाने वाला हूँ ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, और कितना हार्ड हमारा फेस वाइट हुआ है और फेस पे जो रेड टोन है वो आपको कैसा देना है सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। देख लीजिए कितना हार्ड हमारा फोटो बना है और देख लीजिए आह कितना मस्त हुआ है और फेस स्मूथ देख लीजिए कितना मस्त हुआ है। यानी कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ इस टाइप का फोटो होगा आप लोगों का, तो इस टाइप का आप लोग एडिटिंग कर पाएंगे वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी एंड बिना किसी बकचोदी के। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोटो को ले लेना है, जो भी फोटो को आप लोग को बनाना होगा। और इसको आप लोग क्या करेगा, आपको इसको स्नैपशीट में सेंड कर देना है। देखिए, ये हमारा पहला स्टेप है जो कि आप लोग किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। तो देखिए, हमको पहले क्या करना है, सीधे हम लोग ला देंगे फोटो को स्नैपशीट में एंड आपको टूल्स पे जाना है। फिर आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो एक आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए सिलेक्टिव का ऑप्शन मिलेगा, इधर ब्रश का, हीलिंग का, बहुत सारा आप लोग का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली जाना है ट्यून इमेज पे, तो आपको इस पे जाना है और आपको कुछ क्या करना है, एम्बियंस को हाई करना है, शेडो को हाई करना है, इतना आप लोग को सेटिंग कर देना है। फिर आपको डॉन पे क्लिक करना है एंड फिर आपको जाना है टूल्स पे और आपको डिटेल पे जाना है और आपको शार्पनिंग को बस इंक्रीज करना है। देखिए, जिससे क्या होगा, फोटो हमारा फुल HD हो जाएगा। तो आप लोग को सिंपली इतना वर्क कर लेना है। फिर हमको क्या करना है, सिंपल सही पे क्लिक करना है। फिर आपको इस पे आना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा इधर देखिए HDR एस्केप का, तो आपको HDR एस्केप पे आना है और आपको देखिए इसको आप लोग को माइनस करना है। फिर ब्राइटनेस को इतना इंक्रीज करेंगे +8 एंड सिचुएशन को भी प्लस हमको इतना कर देना है। तो आप लोग इतना सेटिंग कर दीजिएगा एंड फिल्टर एक्सचेंज को इतना कर दीजिएगा आप लोग। तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फेस में कितना मस्त बिफोर एंड आफ्टर यानी कि रेड टोन आ चुका है और हमारा जो हेयर था वो HD हो चुका है। तो इतना आप लोग को वर्क कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, सिंपली फोटो को इधर से शेयर कर देना है Lightroom एप्लीकेशन में। और दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड को एडिटिंग करेंगे। तो सिंपली आप लोग को Lightroom में सेंड कर देना है और आप लोग को सिंपली Lightroom को ओपन कर लेना है। तो देखिए, मैं Lightroom को ओपन करता हूँ और गाइजर आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको स्किप करने से क्या होता है, आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा स्टेप एंड किस पे क्लिक करना है। तो आप लोग इसीलिए क्लिक स्किप मत कीजिएगा। फिर हमको देखिए Lightroom में आने के बाद आपको जाना है लाइट पे, सबसे पहला सेटिंग, और आप लोग को एक्सपोजर को हाई करना है, 30 करना है, कंट्रास्ट को पूरा माइनस, हाईलाइट को पूरा माइनस, शेडो को पूरा फुल, और वाइट को पूरा लो एंड ब्लैक को भी लगभग इतना कर देना है। देखिए, आप लोग को इतना सेटिंग करना है ताकि आपका पूरा फेस जो है वो पूरा रेड हो जाए। तो आपको इतना सेटिंग करना है। फिर आपको कलर वाले ऑप्शन पर आना है। तो फिर हमको जाना है मिक्स वाले ऑप्शन पे एंड गाइजर मिक्स पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जाना है 2 नंबर पे, इसको लो करके इसको हाई करना है, फेस पे कितना मस्त चमक आ गया है। फिर हमको आना 1 नंबर पे और इसको देखिए बिफोर आप किसी तरह भी कर सकते हैं, तो मैं इसको कुछ इतना करता हूँ, इसको इतना करता हूँ, इसको इंक्रीज करता हूँ। देखिए, आप लोग को इतना सेटिंग कर देना है। देखिए, बिफोर एंड आफ्टर कितना मस्त फेस वाइट हुआ था, आप लोग इतना कर दीजिएगा। फिर आपको येलो पे आना है, इसको पूरा लो करके इसको भी पूरा लो कर देंगे। फिर आपको देखिए इसको पूरा लो नहीं करेंगे हम, इतना रहने देंगे। फिर आपको ग्रीन पे आना है और ग्रीन पे आने के बाद आपको हुई को पूरा लो करना है, सिचुएशन को पूरा लो करना है, इसको भी पूरा लो कर देना है। देखिए, आप लोग को इतना सेटिंग करना है। फिर हम क्या करेंगे, डाउन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको कुछ टेम्परेचर को +4 करना है, इफेक्ट पे आएंगे, क्लैरिटी को इंक्रीज करेंगे और फिर डिटेल को भी आप लोग को इंक्रीज करना है, जिससे क्या होगा, हमारा फोटो फुल HD में हो जाएगा। देख लीजिए कितना ज़्यादा HD में हो चुका है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो आप लोग को सिंपली इतना वर्क करने के बाद हम लोग इधर फोटो को सेव कर लेंगे। तो देखिए, मैं सेव कर लेता हूँ और अब क्या होगा, अपने हेयर को हम लोग फुल HD में बनाना सिखाएंगे आप लोग को। तो सिंपली फोटो देखिए हमारा सेव हो रहा है, एक्सपोर्टिंग फोटो लिख रहा है, यानी कि फोटो हमारा सेव हो जा रहा है। फिर आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा Adobe Photoshop Fix के नाम से, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। फिर आपको क्या करना है, सिंपली प्लस पे जाना है और आपको मोबाइल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो Lightroom से फ़ोटो निकाला था उस पर जाना है और आपको लिक्विफाई पर जाकर आपको वो पे क्लिक करना है। देखिए, लिक्विफाई पर हम क्लिक करते हैं, फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको वो पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
फिर आपको फोटो छोटा करके इस तरह देखिए अपने हेयर को सेट करना है। देखिए इस तरह, देखिए इससे क्या होता है क्वालिटी जो होता है वो बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है फोटो का। तो आप लोगों को सिंपली ये सेटिंग कर देना है। देखिए मैं कौन सा सेटिंग कर रहा हूँ, ये सेटिंग आपको भी ध्यान से कर देना है, ठीक है। अपने हेयर को मस्त तरीके से सेट करना है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। देखिए ये कुछ ख़राब हो लग रहा है तो मैं इसको अच्छे तरह से हेयर को सेट कर लेता हूँ। देखिए ये ऊंच खाल नहीं रहना चाहिए, पूरा बराबर रहना चाहिए, तभी हम लोग का रियल लगेगा। तो आप लोगों को सिंपली इस तरह सेव कर लेना है। फिर इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो को ले चलना है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए हम फोटो को शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो देखिए हम लोग ऑटोडेस्क में आ चुके हैं एंड हमारा फोटो ओपन हो रहा है। तो देखिए फोटो हमारा ओपन हो चुका है, देखिए कितना ज़्यादा HD क्वालिटी हमारा है। तो फिर आपको जाना है ब्रश वाले ऑप्शन पे, और आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको गजब का ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग को पता होगा कि आप सभी लोग इसी ब्रश को यूज करना है, बट इसी से हार्ड होता है। तो आपको सिंपली सेटिंग इतना रखना है, और आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को आप लोग को स्मूथ करना है। देखिए इस तरह, देखिए मैं जिस तरह ब्रश चला रहा हूँ सीधा सीधा, उसी तरह आपको भी ब्रश को सीधा सीधा चलाना है। देख लीजिए कितना मस्त। तो आप लोग देखिए इस तरह ब्रश को चलाना है, ऊपर वाले पार्ट को इस तरह ब्रश को चलाना है। फिर जो हमारा नाक हो गया, इसके साइड साइड में हम देखिए इस तरह ब्रश को चलाएंगे। देखिए किस तरह मैं ब्रश को चला रहा हूँ, एंड फिर मुझ को ऊपर हम लोग को इस तरह ब्रश। फिर आपको सिंपली क्या करना है, अपने आँख के नीचे देखिए इस तरह हमको ब्रश को चलाना है। तो देखिए मैं जिस तरह ब्रश को चला रहा हूँ उसी तरह आपको भी ब्रश को चलाना है। देख लीजिए कितना मस्त, इस तरह देखिए हमको आराम आराम से ब्रश को चलाना होता है। देख लीजिए उतना भी आप लोग फास्ट मत चलाइएगा ब्रश को, वरना फोटो आप लोग का ख़राब हो जाएगा। देखिए कितना मस्त इस साइड का स्मूथ हो गया। फिर हम लोग छोटा करेंगे साइज को, और ओठ के नीचे इस तरह देखिए हम लोग अपने दाढ़ी को सेट कर लेंगे। जिस तरह हमारा दाढ़ी का लुक होगा उसी तरह हम लोग ब्रश को चलाएंगे। फिर इस साइड में हम उसी प्रकार इस तरह साइज को चलाएंगे। देखिए आप लोग क्या करते हैं, इसी को स्मूथ यानी कि स्किप कर देते हैं, एंड आप लोग को पता नहीं चलता है कि ब्रश किस तरह कहाँ पर चलाया जाता है। तो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखिए मैं किस तरह स्मूथ कर रहा हूँ, एंड आप लोग को भी इसी तरह स्मूथ करना है। देखिए कितना मस्त हमारा फोटो स्मूथ हो रहा है। अभी तो गाइस ये ट्रेलर अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। तो देखिए सिंपली हम लोग को इस तरह स्मूथ करना है, दोनों गाल स्मूथ हो गया। फिर आप लोग को साइज को छोटा करना है। फिर आप लोग को अपने नाक को स्मूथ करना है। इस तरह नाक को हम लोग एकदम आराम से साइज को छोटा करने के बाद फिर हम लोग स्मूथ करते हैं। देखिए फिर हम लोग ब्रश को सीधा सीधा चलाएंगे इस तरह, देखिए ऊपर से सीधा चलाने के बाद देखिए इस तरह सीधा चला लिए, फिर इस तरह पट करके चला लेंगे। देखिए इस तरह, देखिए कितना मस्त हमारा ये भी पार्ट स्मूथ हो चुका है। तो फिर आपको अपने गर्दन को स्मूथ करना है। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली साइज को करेंगे इतना, और आपको ब्रश को देखिए इस तरह हम लोग को चला कर स्मूथ करना है। देखिए कितना मस्त है, तो देख लीजिए कितना मस्त स्मूथ हो रहा है। और आप लोग भी इसी तरह स्मूथ कर दीजिएगा, मैं जिस तरह स्मूथ कर रहा हूँ। देख लीजिए कोई भी उतना फास्ट अगताना नहीं है, आप लोग को आराम आराम से फोटो बनाना है। मान लीजिए आप एक दिन में एक ही फोटो बनाइएगा, बट आराम से बनाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग बनाने लगे 5 फोटो 6 फोटो वो भी फास्ट, तो ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। तो देखिए आप लोग को आराम से स्मूथ कर लेना है सारे पार्ट को, और उसके बाद मैं आपको बहुत ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखिए इतना काम आप लोग को करने के बाद क्या करना है, सिंपली आप लोग को इस पे जाना है। देखिए इस वाले पार्ट को भी हम स्मूथ कर लेते हैं क्योंकि छूट गया है, तो देखिए मैं इसको भी स्मूथ कर लेता हूँ। फिर आपको सिंपली जाना है कहाँ पे, पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए आपको पिक्स आर्ट में आने के बाद आपको जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पे, और आपको क्या करना है, सर्च पे जाना है, और आपको सर्च करना है आंसू। तो आपको इस तरह आंसू लिखना है, ठीक है, जो आंसू होता है आंसू लिखना है, तो आपको आंसू का PNG आएगा। तो आपको सिंपली अपने आँख के नीचे इस वाले आंसू को लगा देना है। तो देखिए डाउनलोडिंग चल रहा है मेरा, ठीक है, जो कि कभी कभी टाइम लगता है, हम देख लेते हैं क्यों टाइम लग रहा है। तो इसको हम लोग कैंसिल करके फिर एक बार क्लिक करते हैं, और आंसू हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपली इसको इतना पर लगाएंगे, और इसी को हम लोग डुप्लीकेट करके एक यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए मस्त आंसू लग गया है। फिर आपको सिंपली अगर आप कोई PNG लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करिएगा, जाइएगा सर्च पर, और आप लोग सर्च करिएगा ब्रोकन, एंड बहुत सारा आप लोग को PNG मिल जाएगा। तो आप कोई सा भी एक ठो PNG लगा सकते हैं। चलिए मैं ये बस आपको दिखाने के लिए लगा देता हूँ। तो आप लोग को सिंपली लगा देना अपने जो भी PNG आप लोग चाहते हैं लगाना। देखिए मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, आप लोग कोई सा भी PNG लगा सकते हैं। फिर आपको क्या करना, आना है रिटच वाले पे, और इस पर अभी आपको इधर जाना है, और आपको हेयर कलर को ले लेना है। और इस पर लेने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, देखिए आप लोग को इधर जाकर इस रेड वाले पे ले लेना है, आपको इधर से बैक कर देना है। फिर जूमिंग करके आपको अपने देखिए इस तरह मैनुअल पे जाकर आपको इस तरह फिल कर देना है।
इसको फिल करेंगे, इसको फिल करेंगे एंड इस साइड हमको इस वाले पार्ट को फिल करके और आपको इसको लुक कर देना है। देखिए इस तरह, देखिए हमको इतना काम आप लोगों को कर देना है। देखिए कितना मस्त आँख हमारा रेड हो चुका है। फिर आपको सही करना है, फिर सही के बाद आपको एक और काम करना है। देखिए मैं दिखाता हूँ कि क्या करना है। इसमें आने के बाद एक बार और आपको रेड वाले इफेक्ट को ले लेना है। देखिए ये रेड को बैक करेंगे आपको अपने ओठ पे नीचे वाले पे। देखिए इस तरह हमको मैनुअल पे जाकर इस तरह देखिए हमको इसको लगा लेना है। देखिए ब्रश को इस तरह, देखिए कितना मस्त मैं इसको लगा रहा हूँ। और इतना लगाने के बाद आपको इसको डाउन कर देना है। फिर देखिए हमारा इतना वर्क हो चुका है, अब ज़्यादा वर्क नहीं बचा है, एक वर्क बचा है जो कि और ज़्यादा फोटो को मैं बताऊँगा प्रोफेशनल बनाना। तो सिंपली इतना काम के बाद आपको स्टिकर पे आना है और आपको एक मेन चीज़ लगाना है, वो है ब्लड। तो हम सर्च पे जाएंगे और आपको सर्च करना है ब्लड, BLOOD, आपको ब्लड सर्च करना है। एंड आप लोग को अनलिमिटेड ब्लड मिल जाएगा, आप जो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड आप लोग को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको खून को लेना है और आपको फिली वुली अपने हिसाब से देख लेना है। और आप लोग को इस तरह ब्लड को लगाने के बाद ओबेसिटी डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, ये कितना मस्त लग चुका है। तो आप लोग को इतना वर्क करने के बाद आपको इधर जाना है ड्रॉ वाले टूल्स पे। देखिए मैं दिखाता हूँ, इधर जाना है ड्रॉ पे और आप लोग को सिंपली फोटो को ऊपर से सेव कर लेना है। देखिए मैं इधर से फोटो को आप लोग को सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। देखिए फोटो हमारा सेव हो चुका है। अब एक बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक बताया जिसकी सहायता से आप अपना फोटो और ज़्यादा प्रोफेशनल बना। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए हमको गैलरी को ओपन करना है फुल HD में। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने फोटो को शेयर वाले ऑप्शन पे ले जाएंगे और मैं आपको और ज़्यादा प्रोफेशनल फोटो बनाना सिखाऊंगा। तो हमको टूल विज में आ जाना है और टूल विज में आने के बाद आपको इफेक्ट पे जाना है और गाइस हमको जाना है सॉफ्ट एस्मोज में। और इस पे आने के बाद आपको इसको करना है नंबर को। ठीक है, 7 नंबर को आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ लोडिंग लगा और इस तरह हो जाएगा। तो आपको सिंपली मास्क पे जाना है, क्लीन करना है और आपको अपने हेयर पे देखिए इस तरह फिल करना है। कितना हार्ड हमारा फोटो लग रहा है जो कि आप लोग देख लीजिए। इतना फोटो गाइस यार, आप लोग ऐसे फोटो बनाते हैं तो कंफर्म है कि वायरल होगा। तो आप लोग सिंपली इसको फिल कर दीजिएगा, इस पर फिल कर दीजिएगा, इस पर फिल करके और अपने इस दाढ़ी पे भी फिल कर दीजिएगा। देखिए कितना हार्ड हमारा लग रहा है। तो आप लोग को जहाँ पे लगे वहाँ पे आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस पर नहीं करता हूँ, ये ख़राब लग रहा है। तो मैं इतना बस वर्क बस अपने हेयर पर मैं इसको फिल कर देता हूँ। एंड आप लोग इफेक्ट पर जाकर आप लोग अपने हिसाब से कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं चलिए इसको मैं करता हूँ 7 नंबर को सिलेक्ट है। फिर आप लोग को फोटो को सेव कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट स्टेप बचा है जिस स्टेप में हम लोग फोटो को ले चलना है सिंपली लाइट रूम के अंदर। तो चलिए हम लाइट रूम में शेयर कर देते हैं फोटो को। तो देखिए हमको लाइट रूम में आने के बाद आपको सिंपली क्या क्या करना है आप लोग ध्यान से रखिएगा। हमको सबसे पहले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे और आपको जाना है मिक्स पे और आपको दोनों पे जाकर और आपको इसको लो करके सिचुएशन को ब्राइटनेस को हाई करना है जिससे फोटो हमारा और ज़्यादा वाइट होगा। ठीक, फिर हमको इस पे जाकर देख लीजिए बहुत ही ये सेटिंग हो जाएगा। तो आपको इसको भी इंक्रीज करके इसको भी आप लोग को लो कर देना है जिसके फेस पे रेड टोन आएगा। फिर आपको डॉन करना है और फिर आपको देखिए इसको कुछ आप लोग को इंक्रीज करना है इतना। ठीक है, इतना इंक्रीज, इसको भी इतना, इसको इतना और इसको माइनस कर देंगे 4। फिर आप लोग को इफेक्ट पे आना है, इफेक्ट पे आना है, क्लैरिटी को इंक्रीज करेंगे। फिर आपको आना है कलर पे और आपको इधर जाना है ग्रेडिंग पे और आप लोग इस वाले सेटिंग को ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, देखिए लुमिनेंस को लो करेंगे जिससे कि कुछ इस टाइप का हो जाएगा और ब्लेंडिंग को पूरा लो। फिर आप लोग को इसको क्या करना है, सिंपली इस तरह नीचे की तरफ करना है, देखिए इस वाले तरफ। ठीक है, देखिए जो बैकग्राउंड होगा वो कुछ इस कलर का हो जाएगा, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो आप लोग इस वाले कलर को लीजिएगा, फिर आपको इसको लेने के बाद आपको इस पे आइएगा और ये फेस का कलर है। तो आप लोग सिंपली इसको क्या करिएगा, कुछ ऊपर की तरफ आप लोग इसको रखिएगा। ठीक है, और इसको भी आप लोग देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसको इतना रखता हूँ। फिर आप लोग 3 नंबर पे आना है और इसको क्या करना है, सिंपली आप लोग को कुछ रेड टोन देना है तो रेड की तरफ, या फिर आप लोग अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं फेस का कलर वो आप रख सकते हैं। तो मैं इसको कुछ करता हूँ, देखिए कहाँ पे इसको मैं करता हूँ कुछ इतना पे। ठीक है, जो ये आ रहा है ग्रीन टोन, ये अच्छा लग रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से कोई सा भी रख सकते हैं। तो मैं कुछ इसको रखता हूँ ग्रीन टोन एंड इसको डन करेंगे। फिर आपको आना है इफेक्ट पे और आप लोग को विग्नेट को लो करना, इतना लो करना है और नीचे इसको लो एंड इसको भी लो करना है इतना, देख लीजिए। और देखिए इतना सेटिंग करने के बाद आपको डिटेल पे आना है, शार्पनिंग को इंक्रीज करेंगे कम से कम हम 66 और इसको इतना इंक्रीज कर देंगे, देखिए 46+49। डिटेल को पूरा इंक्रीज करेंगे जिससे क्वालिटी हमारा हाई होगा। फिर आप लोग इस वाले डिटेल को भी इंक्रीज करेंगे।
सो गाइस देखिए फोटो हमारा कितना ज़्यादा HD बन चुका है, देख लीजिए फेस कितना ज़बरदस्त वाइट हो चुका है, बिना रेमने का हम फोटो बनाए हैं और कितना हार्ड बन चुका है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।